कहते हैं कि उम्र क्या है, महज एक नंबर, बस दिल जवान होना चाहिए। उम्र कोई भी हो, ख्वाहिशें मरती थोड़ी ना है। अब मन में शादी की ख्वाहिश आ जाए तो क्या किया जा सकता है भाई, शादी की जा सकती है तो हो गई शादी। लेकिन ये बड़ी अनोखी शादी है जिसकी चर्चा सिर्फ जिले में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हो रही है। चलिए बताते हैं कि आखिर शादी किसने की और क्यों की, और ये शादी इतनी चर्चा में क्यों है। दरअसल अयोध्या में 6 बेटियों के 63 साल के पिता ने 24 साल की युवती से शादी रचाई है। बकायदा हिंदू रीति रिवाज से अयोध्या जिले के रुदौली स्थित कामाख्या देवी मंदिर पर ये शादी हुई है। शादी में बाराती और घराती विवाह की तमाम रस्मों में शामिल हुए। 63 साल के दूल्हे का नाम है नक्षेद यादव और 24 साल की दुल्हनिया का नाम है नंदनी। बुजुर्ग नक्षेद यादव बाराबंकी जिले के सुबेहा थाना क्षेत्र के जमीन हुसैनाबाद पूरे चौधरी गांव के निवासी हैं। उनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है, वहीं 6 बेटियों की शादी भी उन्होंने कर दी है। अब वो अकेलापन महसूस करने लगे तो अकेलापन दूर करने के लिए नक्षेद यादव ने दूसरी शादी करने का फैसला किया और छत्तीसगढ़ के रांची की रहने वाली नंदनी यादव, जिनकी उम्र 24 साल है, उनसे शादी कर ली। नक्षेद और नंदनी यादव का कहना है कि वो इस शादी से बेहद खुश हैं। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 63 साल उम्र है। आज आपने शादी की है, क्या उद्देश्य है शादी का? असल में हमें 6 लड़की थी, सब अपने अपने घर चली गई, हमको कोई खाना बनाने वाला नहीं बना देने वाला था जी, तो इसलिए हमने शादी किया है। कहाँ पर किया शादी? ये तो रांची से किया। नहीं, यहाँ कहाँ पर किया? यहाँ कामाख्या माई के दरबार में। जी जी, आपकी जो है दुल्हन, इनका क्या नाम है? इनका नाम है नंदनी यादव। कितनी उम्र है इनकी लगभग? इनकी उम्र है 24 साल। तो आप दोनों खुश हैं शादी से? हाँ, हम दोनों खुश हैं। शादी हुई आज आपकी? हाँ। किसके साथ हुई है? साथ। अच्छा, खुश हैं आप? हाँ। कहाँ पर शादी किए हैं? ठीक। शादी से जहाँ दूल्हा और दुल्हन काफी खुश हैं, तो वहीं घराती और बाराती भी फूले नहीं समा रहे। दूल्हे नक्षेद यादव की सभी बेटियां भी अपने पिता की शादी से खुश नजर आ रही हैं। बहरहाल ये शादी अब इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। अयोध्या से इंडिया पब्लिक खबर संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल आपका इस अनोखी शादी और प्यार के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।